अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बियाज किचन। आज एक नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। इसको कहते हैं बटर चिकन। तो आज हम बटर चिकन बनाकर दिखाएंगे आपको, जिसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं रिक्वायर्ड हैं वो आपको मैं शो की रहता हूँ। तो एक अदद मैंने टमाटर लिया है और दो दरमियाने साइज के प्याज हैं, 1 किलो चिकन है, 2 चम्मच सुरख मिर्च के हैं जो कि चाय के चम्मच हैं, खाने के चम्मच नहीं यूज़ होंगे इसमें, आधा चम्मच हल्दी है जो कि टीस्पून है, और एक से 1.5 टीस्पून जो है वो नमक इसके अंदर यूज़ होगा। और 200 ग्राम के करीब मैंने बटर लिया है, 100 ग्राम के करीब मैंने क्रीम ली है, 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 टीस्पून अदरक है और 1 ही टीस्पून लहसुन है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि अगर आप अदरक और लहसुन का यूज़ ज़्यादा करेंगे तो क्रीम और बटर का टेस्ट ज़ाया हो जाएगा। और हल्दी कुछ मैंने नोट किया है होटल्स के अंदर जब कुक करते हैं ये लोग बटर चिकन को, तो उसके अंदर हल्दी का टेस्ट ज़्यादा करने के लिए वो उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर ज़्यादा आ जाता है और बटर चिकन की जो एक क्रीमी फॉर्मेट होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो येलोइश सा कलर एक आ जाता है जो कि इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। तो हल्दी, अदरक और लहसुन इसकी क्वांटिटी हम ज़रा कम रखेंगे ताकि क्रीम और बटर जो है हमारे कंसिस्टेंट रहें और उनका फ्लेवर हमें फील हो खाने के दौरान में। गर्मियाँ हैं तो साथ में रिफ्रेशमेंट के लिए मैंने जो है लीमू पानी रखा हुआ है, जिसके अंदर मैंने पुदीने का ब्लेंड दिया है। तो गर्मियों के अंदर ये बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपने घर वालों के लिए और वो तमाम हजरात जो घर से बाहर जाते हैं किसी भी काम के हवाले से, ग्रोसरीज के लिए या जॉब के हवाले से जब वापस आते हैं, तो आप मर्द और ख़वातीन सबको चाहिए कि घर के अंदर लीमू पानी जो है वो बना के रखा जाए गर्मियों के अंदर स्पेशली, और जब वो आएँ तो उनको सर्व करें। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। एक चीज़ आपको मैं बताए चलूँ कि कुकिंग ऑयल जो आपने यूज़ करना है उसकी क्वांटिटी आपने बहुत थोड़ी रखनी है, सिर्फ प्याज को फ्राई करने के लिए। इसकी वजह यह है कि क्योंकि आप क्रीम और बटर यूज़ करेंगे इसको मज़ीद पकाने के लिए, तो उसका टेस्ट ना ख़राब हो जाए और ऑयली ज़्यादा ना हो जाए खाना, तो उसके लिए बेहतर है कि आप बहुत कम क्वान्टिटी के अंदर ऑयल लेके उसको प्याज को फ्राई कर लें। तो जी, प्याज को मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो जी, प्याज हमारा ब्राउन होने की तरफ आ रहा है, तो इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन को ऐड कर दूंगा ताकि इसको भी हम प्याज के साथ साथ प्रॉपर ब्राउन कर लें। ब्राउन होने से ये होता है कि हर चीज़ का जो टेस्ट है वो उस मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से आ जाता है। तो जी, हमारा अदरक लहसुन जो है वो ब्राउन हो चुका हुआ है, इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूँगा ताकि अच्छी तरह से सब चीज़ें घुल जाएं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद और 2 से 3 मिनट भूनना पड़ेगा हमें ताकि टमाटर जो है वो गलने की तरफ आए, एंड देन वी विल जी ऑलमोस्ट 3 मिनट के ड्यूरेशन के गैप के साथ दम जो दिया हुआ था टमाटरों को, तो ये इसका मैंने ढक्कन हटा दिया है। माशाल्लाह से मेरी जो बेटी है वो भी साथ में अपनी रौनक खूब लगाए हुए है अपनी आवाज़ के साथ। अब हम आएंगे स्पाइसेस की तरफ, तो मैं इसके अंदर सॉल्ट को ऐड कर दूंगा, इसके अंदर मैं हल्दी को ऐड कर दूंगा और साथ ही मिर्चें भी ऐड कर देंगे। तो नहीं जी, हमारा मसाला भूनने की तरफ आ चुका हुआ है। अब इसके अंदर जो है मैं चिकन को ऐड कर दूंगा। चिकन को ऐड कर दिया है, अब चिकन को हम इस मसाले के अंदर अच्छी तरीके से भून लेंगे। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आँच आपने धीमी रखनी है, तेज़ नहीं करनी है, ताकि ज़्यादा फ्लेम के ऊपर आपके चिकन को कोई बैड टेस्ट ना आए या उसकी स्मेल ना रह जाए। हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से भूना जा रहा है। जब मुकम्मल तौर पर चिकन को भून लेंगे तो फिर हम इसके अंदर बटर और क्रीम को ऐड करेंगे। चिकन जो है वो हमारा कलर चेंज कर रहा है भूनने के दौरान में,
अब ये है कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको दम लगाऊंगा 10 से 15 मिनट का, ताकि चिकन अच्छी तरीके से उसके अंदर गल जाए। और साथ में ही मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा भूनने के बाद, 1 से 2 मिनट मज़ीद भूनने के बाद इसको मैं दम लगाऊंगा 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि स्टीम के अंदर ये अच्छी तरीके से गल जाएगा। तो लें जी जनाब, तकरीबन 15 मिनट के वक्फे के साथ चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है माशाल्लाह से। तो ये थोड़ा सा जो पानी की मिकदार है इसको ड्राई करना है, क्योंकि इसको ड्राई करने के बाद ऑलमोस्ट हम लोगों ने क्रीम और बटर ऐड करनी है। पानी के साथ हम क्रीम और बटर को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि वो अच्छे तरीके से उसका फ्लेवर नहीं आता क्रीम और बटर का। पहले हम लोगों ने पानी को ड्राई करना है, देन वी विल ऐड क्रीम एंड बटर। लीजिए जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका होगा हम लोगों का। तो अब इसके अंदर जो है मैं बटर ऐड कर दूंगा। फ्लेम जो है आपने लो टू मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना, कि जल ना जाए आपका चिकन या बटर के अंदर से जलने का टेस्ट ना आए। अब इसके साथ ही मैं जो क्रीम है वो ऐड करूँगा। इसके अंदर हम लोग क्रीम को ऐड कर देंगे। एक्चुअली में नाम तो इसका बटर चिकन है, लेकिन क्रीम इसलिए ऐड की जाती है कि एक लिक्विड सा और जूसी सा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि जो मक्खन होता है वो ऑयल छोड़ता है, तो उसका टेस्ट बरकरार रखने के लिए जो क्रीम है वो। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जैसे ही आप क्रीम और बटर को ऐड करेंगे इसके अंदर, तो आपने चमचा मुसलसल हिलाना है कि बटर जो है वो जल सकता है आपका। अगर चमचा नहीं हिलाएंगे तो आपका वो जलने का एक जो फैक्टर है वो आना शुरू हो जाएगा और टेस्ट आ जाएगा खाने के अंदर, चिकन के अंदर स्पेशली। तो आपने प्रॉपर तरीके से इसको साथ साथ में हिलाते रहना। तो ये सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट इसको बटर और चिकन के अंदर, सॉरी बटर और क्रीम के अंदर चिकन को भूनना है आपने, पकाना नहीं है, भूनना है, क्योंकि चिकन आपका ऑलरेडी कुक हो चुका हुआ है, तो ओवर कुक नहीं करना है। और क्रीम और बटर जो है वो ऑलरेडी आपका मेल्ट होके इसके अंदर डिसॉल्व हो चुका हुआ है, और जब ये आपका अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा 2 से 3 मिनट के अंदर इंशाल्लाह, तो हम इसको ढक्कन के साथ बंद कर देंगे और चूल्हे को नीचे से टर्न ऑफ कर देंगे। उसकी वजह ये है कि स्टीम के अंदर आपका जो चिकन है, बटर है और क्रीम है वो अच्छी तरह से जूसी फॉर्म अपनी ले लें। लीजिए जनाब, तकरीबन 3 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोल देंगे हम लोग। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, ढक्कन जब खोलना है तो आपने ये स्टीम को वापस सालन के अंदर नहीं जाने देना, इस चीज़ को अवॉइड करना है आप लोगों ने। इसको हम लोग साइड पे रख लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। आपको मैं इसकी क्लोज एक पिक्चर दिखा सकता हूँ यहाँ पे, अगर आपको नज़र आ जाए इसको प्रॉपर तरीके से, तो इसको हम डिश आउट करेंगे। तो बटर चिकन को हम लोग डिश आउट कर चुके हुए हैं। एक मेन चीज़ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो शुरू में मैंने आपको रेसिपी बताई थी, थोड़ी सी आपको आइडिया दिया था ऑयल के हवाले से मेनली, जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो मक्खन डला हुआ है बटर, उसने ऑलरेडी इतना ऑयल छोड़ दिया है कि जो कि हमारे खाने के लिए काफ़ी है। तो अगर आप शुरू में ही ऑयल की क्वान्टिटी ज़्यादा रख देंगे तो जब मक्खन अपना ऑयल छोड़ेगा तो आपकी जो पीसीज हैं चिकन के वो ऑयल के अंदर डिप हो जाएंगे, तो वो एक अच्छी फील नहीं आएगी। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ ज़रूरत का ऑयल जो है वो यूज़ करना है शुरू में, प्याज को भूनने के लिए और चिकन को भूनने के लिए, बिल्कुल ज़रूरत का। होप यू डिड इंजॉय द वीडियो। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हुई हो तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं और लाइक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त अहबाब के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी लेडीज़ के साथ, ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई करें और आपको पका के दिखाएँ।
और फिर आप बताएं कि ये कैसी बनती है। मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ इसके हवाले से, मैं बता सकता हूँ कि ये बहुत ही जूसी और बहुत ही यमी किस्म की एक रेसिपी है, जो कि ज़रा यूनिक एक टच आता है इसके अंदर। तो कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको मेरे हवाले से या इस चैनल के हवाले से कोई नई वीडियोस को आप ट्राई करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि हम क्या आपको पका कर दिखाएं, तो आप ज़रूर अपनी सजेशन दें। आप सजेशन के लिए इनबॉक्स कर सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप ओपनली बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी जो रिक्वेस्ट होगी और जो आपकी सजेशन होगी उनको मरहूज़ हाथ में रखते हुए हम मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बियाज किचन।